ऑब्वियसली मैं विराट कोहली को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो एक अच्छे बैट्समैन थे और अभी भी रहे। सबसे पहले तो आई लव विराट कोहली बिकॉज ही इज यंगेस्ट कैप्टन एज वेल एज यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। लेकिन उनकी कैप्टेंसी जब उस टाइम थी ना तो वो मानने वाले थे, इसलिए उनको प्यार ज्यादा मिलता है। फिर अब मैं विराट कोहली को चुनूंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लाहौरी फाइट स्पीक्स। आज की स्पेशल वीडियो है क्रिकेट से रिलेटेड। आईसीसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर एक पोल किया था जिसमें उन्होंने क्रिकेट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए और पोल में लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में पूछा गया कि कौन जीता है। तो खान साहब विराट कोहली से स्लाइड के मार्जिन से जीत गए हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या कंपैरिजन है। कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहे लेकिन लोगों से फिर भी उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तलाल मोहम्मद जहांगीर। सभी भाई स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं या खेलते हैं? नहीं, खेलता भी हूँ और देखता भी हूँ, दोनों में इंटरेस्ट है। सुबह ना आईसीसी ने एक पोल किया था अपने ट्विटर ऑफिशियल पेज के ऊपर ना, बेहतरीन कैप्टन कौन है। खान साहब और विराट कोहली बड़ा क्लोज कंपटीशन था, खान साहब बड़े स्लाइड से फर्क से जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आई लव विराट कोहली बिकॉज ही इज यंगेस्ट कैप्टन एज वेल एज यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। और उसको पता है वो छोटी सी उम्र में एक्सपीरियंस हासिल कर रहा है, हालांकि इमरान खान अच्छा टीम का लीड कर रहा था बट उसने एक लेवल पे जाके सब कुछ सीखा। विराट कोहली एक अच्छे बैट्समैन है, इस टाइम आप समझ लेंगे जो यंगस्टर है उनके लिए एक लेजेंड बन चुके हैं मॉडर्न क्रिकेट के अंदर। लेकिन जो इमरान खान है वो मुझे लगता है कि ऑल टाइम मतलब रहेंगे हर बंदे के लिए, कि जैसे उन्होंने अपनी क्रिकेट की लाइफ में भी किया और उसके बाद अपनी पॉलिटिक्स वाली लाइफ में भी, इसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। जी बात तो ये है कि क्रिकेटर के दोनों बहुत अच्छे हैं, अगर विराट कोहली की बात करें या इमरान खान की, बहुत अच्छे हैं दोनों। लेकिन लीडरशिप में आई थिंक इमरान खान इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो एक एज अ वर्ल्ड लीडर है। एज अ मुस्लिम अगर हम देखा जाए तो आजकल एज अ मुस्लिम अगर मुस्लिम दुनिया में देखा जाए तो वो एक बेहतरीन लीडर है इमरान खान। यार विराट कोहली नो डाउट बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, जो भी क्रिकेटर लवर्स हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन विराट कोहली एक 11% की टीम को सिर्फ लीड कर सकता है, वो एक पूरे मुल्क को लीड नहीं कर सकता, जबकि इमरान खान में ये क्वालिटीज़ हैं। जब खान साहब थे ना तब क्रिकेट जो थी ना वो बहुत टफ थी, उस सिचुएशन के अंदर क्रिकेट खेलना ना अब की क्रिकेट काफ़ी आसान है। सर उनका हक भी बनता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन थे और उस वक्त में उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की थी जब क्रिकेट का इतना मतलब नॉलेज नहीं था। विराट कोहली ने तो लास्ट इयर्स में स्टार्ट किया तो इस टाइम तक क्रिकेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ गया था। लेकिन उनकी कैप्टेंसी जब उस टाइम थी ना तो वो मानने वाले थे, इसलिए उनको प्यार ज़्यादा मिलता है। खान साहब ने जीतना ही था। अगर लीडरशिप की बात करते हैं तो खान साहब की लीडरशिप कैप्टेंसी अगर अब उनकी क्रिकेट कैरियर में भी देखें तो वो बहुत अच्छी थी। उसकी वजह ये है, बेशक उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स थी। आप अगर उनकी लाइफ कैरियर को देखें, वो जहाँ भी रहे हैं वो लीडरशिप ही उनकी रही है, बाय बर्थ ही वो लीडर है। कह तो कुछ सकते नहीं है कि खान साहब हमारे वतन की शान है क्योंकि इतने बड़े लीडर हैं, बैट्समैन भी थे, काफी अच्छा उनकी परफॉर्मेंस थी, वर्ल्ड कप जीता हुआ उन्होंने, ऐसे थोड़ी है। खान साहब हमारे लीडर हैं। खान साहब की अब जो एज है माशाल्लाह वो है आई थिंक 70 के करीब है, 66 से अबव है। इसका मतलब है कि जो उनके लाइफ के अचीवमेंट्स हैं ना वो विराट कोहली के मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं। बेशक विराट कोहली इस टाइम की दुनिया के अंदर एक हॉटस्पॉट चल रहे हैं, ठीक है ना, एक हीरो चल रहे हैं, लेजेंड चल रहे हैं, लेकिन इमरान खान जो है ना उन्होंने जिंदगी के 3-4 फेज पे अचीवमेंट हासिल की है। एक तो उन्होंने सबसे पहले स्पोर्ट्स के अंदर की और उनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता। बट ही वाज इज द यंगेस्ट प्लेयर विराट कोहली और वो अभी से सीखने लग गया है एंड यू नो एंड नंबर वन रैंकिंग पे नंबर वन पे जा रहा है एंड ही नो हाउ टू प्ले एंड हाउ टू मैनेज टीम एंड हाउ टू ग्राउंड हिज टीम एज वेल फॉर द नेक्स्ट और फ्यूचर गेम्स। आपको चूज करना पड़े एज ए लीडर लीड करने के लिए विराट कोहली और इमरान खान से किसको करेंगे आप? एज ए लीडर हम इमरान खान ही को करेंगे। मैं इमरान खान को ऑब्वियसली सपोर्ट करूंगा लेकिन एज ए कैप्टन, एज ए क्रिकेट कैप्टन मैं विराट कोहली को ही सपोर्ट करूंगा। इमरान खान ही है बस। इमरान खान ही नाउ एज ए कैप्टन, इन दोनों में से किसको चूज करेंगे, खान साहब को कि विराट कोहली को? विराट कोहली को। खान साहब जो उनको एडवांटेज ये था तो उनके अंदर लीडरशिप थी, प्लेयर थे ना वो सबको लेके चलते थे। करंट सिनेरियो के अंदर विराट कोहली भी यानी कि बहुत बुरा प्लेयर नहीं है, बहुत अच्छा प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। सिर्फ वो इसलिए मेन इशू ये है अब क्रिकेट थोड़ी आसान भी हो गई है और एक कोच है वो जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा भी है, वास्ट एक बहुत बड़ी गेम बन गई है तो इसके अंदर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। इस सिचुएशन के अंदर ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है किसी भी प्लेयर के लिए। मैं अगर इस टाइम अगर टीम बनानी हो तो विराट को चूज़ करूँगा। खान साहब विराट कोहली मेरे ख्याल में पर्सनैलिटी है, अगर वो एटीट्यूड दिखाता है वो जिस तरह मर्जी एटीट्यूड है मेरी गेम वैसी कंसिस्टेंट है। आपकी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब कैप्टन आपका जो सब कॉन्फिडेंस के अंदर होगा भी हाँ भी मेरी टीम है। अब उनके आपने देखा अगर रिसेंटली उनके 36 का आउट हुए हैं लेकिन उन्होंने कमबैक किया है, सही है। और अगर कोई आम कैप्टन होता ना बहुत मुश्किल होना, उसने कहना भाई हाथ फूल के मैं खत्म। खान साहब की बात की जाए तो खान साहब अपने दौर में बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को,
बहुत डिफ़िकल्ट वो मैच चला है जिनसे उन्होंने हमें जिताया। हमारे पास वर्ल्ड कप है, वही वर्ल्ड कप हमारे पास है अभी तक, और इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। पर विराट कोहली का आजकल का क्लासिक प्लेयर है सर। अगर आपको चॉइस दी जाए एज ए टीम चूज़ करनी हो तो उसका एक कप्तान बनाना हो टीम को लीड करने की, तो खान साहब को चूज़ करेंगे कि विराट कोहली? मैं अगर इस टाइम अगर टीम बनानी हो तो विराट को चूज़ करूँगा। खान साहब अगर आप विराट कोहली को देखते हैं तो वो बने, वो अभी परफॉर्मेंस अपनी दे रहे हैं, अभी उसने प्रूफ करना है और इन्होंने प्रूफ कर दी है। अभी उसने कोई टाइटल जितवाया नहीं है, आप आरसीबी में देख लें, आप उसने देख लें आईसीसी में देख लें, इंटरनेशनल क्रिकेट में देख लें, अभी उन्होंने कोई टाइटल विन नहीं किया, एज ए कैप्टन कोई विन नहीं किया। आप अगर इमरान खान की तरफ आते हैं, उनकी क्रिकेट की तरफ आते हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। हाँ अगर आप कहते हैं कि एमएस धोनी का कंपैरिजन करते हैं वो फिर क्लोज था क्योंकि उसने सारे फॉर्मेट के टाइटल जो वो जितवाए थे। खान साहब हमारे लीडर हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास, ऐसे तो नहीं कह सकते भी खान साहब के पास कुछ एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस था तो वर्ल्ड कप जीत के लेके आए थे। उसके अलावा जो उन्होंने कैंसर की कंपेन चलाई, आपको पता है वो हॉस्पिटल की शौकत खाना की, उसके बाद उन्होंने सियासत में भी हिस्सा रख लिया, ऊपर से वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, एक एटॉमिक पावर के न्यूक्लियर पावर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो दैट्स व्हाई वो, मेरा तो ख्याल है कि विराट कोहली से उनका कंपैरिजन करवाना नहीं चाहिए था। बाबर आजम का विराट कोहली का करवा देते या किसी और का, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर का या अफरीदी का करवा देते, जो मतलब कि आजकल के लेजेंड चल रहे हैं आजकल के दौर में, फिर तो मेरा ख्याल से विराट कोहली आगे आराम से निकल जाता। इमरान खान अब डिफरेंट सेलिब्रिटी बन चुके हैं, वो अब प्राइम मिनिस्टर हैं एक मुल्क के, और उसके अलावा आपको पता है वो कंपेन भी चलाते हैं हॉस्पिटल की, और वो इंटरनेशनल लेवल पे पूरे वर्ल्ड वाइड उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से पसंद किया जाता है। विराट कोहली को आपको पता है सिर्फ उनकी क्रिकेट की वजह से पसंद किया जाता है, इमरान खान को उनकी लुक, उनकी बॉडी, उनका स्टाइल, उनकी बातें, उनकी लीडरशिप स्किल्स, उनकी इंटरनेशनल और उनके जो लिंक्स हैं, अफेयर हैं, तीन तीन चार चार शादियाँ खड़का दी हैं उन्होंने। आप मुझे बताएं कि ये आम बात नहीं है मेरे भाई, नॉर्मल नहीं है। वो पहले एक तरह अमीर तरीन आदमी की बेटी ले गए, दूसरे पे वो नेक्स्ट लेवल इंग्लिश किस्म की जो मॉडल थी उसको ले गए रेहम खान को, तीसरी वो नेक अल्लाह की वली उसको ले गए, यार तीन तीन तो उन्होंने हाथ मारे हैं। आप क्या समझते हैं इमरान खान इज मच बेटर देन विराट कोहली? एज आई टोल्ड यू दैट आई लव विराट कोहली, सो मैं विराट कोहली ही को करूंगा क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस है, और आपने सीरीज रिसेंटली देखी है हाउ टू ही, उसने पूरा ग्राउंड को एक पहले सेटिस में ला के उसके बाद उसने सारी टीम खड़ी की है, और आप देखें 26 में उनकी ऑल आउट टीम हो गई थी, और उसकी एक ऐसा उसने एक्सपीरियंस डाला, ऐसा प्रेशर डाला दूसरी टीम पे कि वो लीड भी कर गए और जीत भी गए और एक इनिंग से जीते हैं वो। विराट कोहली एक सेंसिबल बैट्समैन है, उसको पता है कैसे मैनेज करना है, एज कम्पेयर टू इमरान खान उसने अब पॉलिटिक्स में घुस गया, अब उसको वो तो सियासतकारा था, उसने क्रिकेट में भी सियासत किया, ये नहीं मसला है, उसने वर्ल्ड कप जिता दिया तो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड ही विल बी अ वेरी ग्रेट पर्सन, इट डजंट मैटर। विराट कोहली एक्सपीरियंस में जा रहा है, वो यंगेस्ट होकर भी एक्सपीरियंस ले रहा है, और आप ये देखें अगर वो अभी से इतना ज्यादा कर रहा है तो देखें जब वो अबव 50 जाएगा तो वो तब क्या करेगा। विराट कोहली जो है उसे ये पता है भी मेरे जो से प्लेयर है ना वो कितने पानी के अंदर है, और बेस्ट यूटिलाइजेशन तो इस वक्त मैंने उसकी देखी है। उसके बाद मुझे नहीं है काफ़ी अच्छे, लेकिन ना वो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर मैं स्पोर्ट्स मैन देखूंगा ना खान साहब के ना स्टैट्स जो से, अगर स्टैट्स के ऊपर जाऊँगा कैप्टन के स्टैट्स 50 प्लस हाँ, तो खान साहब बेस्ट हैं, सही है। अगर उस सिनेरियो में अगर करंट सिचुएशन के अंदर है ना, आप जैसे कहते हैं ना एज होती है, फिर अब मैं विराट कोहली को चुनूंगा। नहीं आजकल के दौर के मुताबिक तो फिर विराट कोहली को करवाना पड़ेगा क्योंकि वो आजकल के स्ट्रेटजी को समझता है, आजकल की गेम को समझता है। इमरान खान साहब इस पे अगर स्किल्स उनकी बची होती तो वो कोचिंग अपनी हमारी क्रिकेट का सिस्टम ठीक कर चुके होते। वेरी वेरी पॉजिटिव एंड फेयर आंसर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलाम भाई। थैंक यू थैंक यू। जिस तरह आईसीसी ने ट्विटर के ऊपर पोल किया था, हमने यहाँ पर मुझे लोगों से बात की, उनका कहना था कि देखिए विराट कोहली और खान साहब का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता। इंडिविजुअली क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो विराट कोहली इस मॉडर्न डे क्रिकेट में फैंटास्टिक बैट्समैन, ग्रेट प्लेयर है, और खान साहब अपने दौर के अजीम कप्तान थे। लेकिन लोगों का यही कहना था कि हम खान साहब को चूज करेंगे एज ए टीम कैप्टन क्योंकि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज मौजूद है, विराट कोहली में एज ए लीडर वो क्वालिटीज मौजूद नहीं है जो खान साहब में, क्योंकि खान साहब बाय बर्थ बॉर्न लीडर थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं। इसके साथ हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।